sorry, as DJ. ये है बिल्ला, द किंग ऑफ बरमुदा। इसके डर से इसके राज्य में ऐसा कोई भी काम नहीं होता था जो इसे पसंद ना आए। और इनके हजारों सैनिक में से इसके दो सबसे प्रिय लोग थे, एक का नाम था बॉब और एक का नाम था ऋतिक। ये दोनों हमेशा इसके साथ रहा करते थे और ये इसकी बातों को भी कभी नहीं टालता था। एक दिन बिल्ला बॉब के साथ बैठ के कहीं गाड़ी में जरूरी काम से जा रहा था तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है जिससे यार उसे देख के बहुत सा अजीब सा लगता है और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे उससे प्यार हो जाता है। बट वो इतना जल्दी में था कि वो वहाँ पे रुक नहीं सकता था और वो उस लड़की को छोड़ के आगे चला जाता है। उसी दिन रात में बिल्ला को बिल्कुल ही नींद नहीं आती और उसके सपने में बार बार वो लड़की आ जाती है जिसे उसने जाते समय देखा था। तो और वो सोचता है कि चलो कल देखते हैं। अगले दिन उसे याद आता है कि उस टेम्पू वाले से पूछना चाहिए कि वो लड़की कहाँ गई थी। तो वो उस टेम्पू वाले के पास दौड़ के चला जाता है अपने कुछ सिपाही को लेके। वो बोलता है, वो टेम्पू वाले चल चल उतर चल उतर। क्या हुआ मालिक, मैंने तो कुछ नहीं किया मालिक, मुझे को छोड़ दो। अच्छा ये बता कि उस लड़की को तूने कहाँ छोड़ा। तू कल शाम को बीमा शक्ति और पीक के बीच में जो रोड जाता है वहाँ पे तेरे ऑटो पे बैठ रही थी। मालिक मालिक वो लड़की, मालिक वो लड़की तो परगटरी के लिए जा रही थी, उसने परगटरी वाली प्लेन पकड़ी थी मालिक। मालिक मेरे को जाने दो मालिक। हाँ ठीक है चल जा। प्रिय मालिक, पर मैंने मालिक कुछ नहीं किया था, बस मेरे को इतना मालूम था कि वो लड़की परगटरी के लिए गई थी। मैं इतने आगे और कुछ नहीं बता सकता मालिक। अबे और तेरे से कौन पूछ रहा है, अबे चल जा तू निकल यहाँ से, जल्दी से निकल जा वरना मारा जाएगा। चल निकल जा, मैं सारे सामान बांध लूँ, कल हमें परगटरी के लिए निकलना है। अगले दिन बिल्ला और उसके कुछ सिपाही परगटरी के लिए तुरंत निकल जाते हैं। परगटरी के राजा को यह पता होता है कि बरमुदा का राजा उनसे मिलने के लिए आ रहा है तो वो पहले से ही अपने कुछ सिपाहियों को लेके वहाँ तैयार रहते हैं उनके स्वागत में। बरमुदा का राजा जाने के बाद उन्हें तुरंत हाय कहता है और उन दोनों लोगों के बीच में कुछ बातें होती हैं। और बताइए राजा साहब, हमारे आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, और तो और हम बहुत आराम से आ गए। आपके यहाँ की प्लेन बहुत आराम से हमें आपके यहाँ तक छोड़ दी और आप यहाँ पे आ गए तब हमें कैसी तकलीफ होगी। तो चलिए राजा साहब, मैं आपको अपने राजधानी लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको मैं कुछ नई नई चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलिए राजा साहब, आपको मैं पहले एक अपनी एक नई अनोखी चीज़ दिखा देता हूँ। अनोखी चीज़ जरा दिखाइए तो हमें भी, क्या है आपके पास नया अनोखा? मैं भी ज़रूर देखना चाहूँगा कि यार ऐसी अनोखी चीज़ क्या है जिसकी बारे में परगटरी के राजा भी बड़ाई कर रहे हैं। तो आइए जनाब जल्दी आइए। हाँ आ रहे हैं। अरे वाह ये क्या चीज़ है। ये राजा साहब कस के पकड़े रहिएगा वरना गिर जाएंगे तो बहुत चोट लग जाएगी। ये बहुत खतरनाक है पर बहुत मनोरंजक भी, और आप इसके जरिए बहुत जल्दी जल्दी कहीं भी जा सकते हैं। बरमुदा का राजा ये नहीं चाहता कि उसके सामने और किसी की बड़ाई हो। थोड़ी देर बाद जब परगटरी का राजा उसे अपनी राजधानी पे लेके आता है अपनी एक आसान गाड़ी से, तो वहाँ पे क्या होता है आप देखिए। आइए राजा साहब, ये रही हमारी एक आसान राजधानी। वाह 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 वाह, क्या राजधानी है जनाब, एक नंबर की यार। ऐसी राजधानी मैं भी अपने यहाँ जरूर बनवाऊंगा चाहे कितने भी पैसे लगे। आइए राजा साहब, हम थोड़ी बैठ के बातें कर लेते हैं, फिर आप थोड़ा आराम कर दीजिएगा, फिर हम कल चलेंगे, आपको मैं अपने परगटरी का शहर घुमाने ले चलूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे भी आपका परगटरी का शहर घूमना है। तो राजा साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अचानक यहाँ आने का फैसला क्यों कर लिया, कोई ऐसी बात है क्या? हाँ हाँ मुझे आपकी एक मदद चाहिए राजा साहब। मैंने परसों शाम अपने बरमुदा शहर में एक ऐसी लड़की देखी थी जिसे देखने के बाद मुझे उससे प्यार हो गया और यार उसकी खोज में मैं परगटरी तक चला आया हूँ। अगले दिन जब परगटरी का राजा बरमुदा के राजा को अपना शहर घुमाता रहता है तभी अचानक वो लड़की उस लोगों के सामने रहती है जिनसे वह दोनों शादी करना चाहते हैं। परगटरी का राजा बोलता है, अरे अरे बिल्ला साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आपको मैं उस लड़की को दिखाता हूँ जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। बिल्ला के राजा ने ये बात तो नहीं बताई थी परगटरी के राजा को कि वह लड़की कौन है, और न ही परगटरी के राजा ने बिल्ला को बताई थी कि वो किससे शादी करना चाहते हैं। परगटरी को राजा को लड़की से बात करता देख बिल्ला को अच्छा ही लगता है और वो दौड़ के जाता है और परगटरी के राजा को दो चार मुक्के मार देता है। यही बात देख कर परगटरी के जितने भी सिपाही होते हैं वो उसके ऊपर तुरंत गन उठा लेते हैं। और तभी राजा साहब हम इसका क्या करें, हम इसे पूरा मार डालें क्या अभी के अभी? नहीं ये हमारा मेहमान बन के आया था तो इसे वहीं लेके जाओ जहाँ पे हम अपने कुछ खास मेहमानों को रखते हैं, यानी वह जेल जहाँ पे यार ज़्यादा खतरनाक अपराधी होते हैं। परगटरी का राजा वहाँ से अकेले अकेले चला जाता है और उस लड़की को छोड़ देता है।
और इधर परगटरी के सिपाही भी बिल्ला को जेल लेके चले जाते हैं। दो दिन बाद जो परगटरी के राजा को चोटें लगी होती हैं उसके इलाज करवाने के बाद वह बिल्ला से मिलने तुरंत चला आता है। वो बिल्ला से बोलता है कि बिल्ला भाई, ऐसी कौन सी बात थी कि आपने उस लड़की के सामने मेरे को बात करता देख मेरे पे हाथ उठा दिया था और आपको इतना भी डर नहीं था कि आप किसके सामने खड़े हो और मेरे सिपाही भी वहाँ मौजूद हैं। जिस लड़की को मैं खोजते खोजते बरगटरी आ गया था वही लड़की थी वो। कौन? ये लड़की? हाँ यही लड़की थी वो। तो बोलो लड़की, तुम किससे शादी करना? मैं दोनों को बड़ा मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं दोनों के पास बहुत सुखी रहूँगी, परंतु आप दोनों के बीच एक फिस्ट फाइट होगी, जो जीतेगा मैं उसी से शादी करूँगी। अगले दिन वो लोग बरमुदा के लिए निकल जाते हैं क्योंकि पूरी फाइट बरमुदा में होनी थी। अगले दिन दोनों राज्य के राजा आमने सामने खड़े हो जाते हैं और परगटरी का राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो बरमुदा का राजा ये जानता है कि वो मुझे मार देगा, इसलिए उसने कुछ ऑलरेडी प्लानिंग बना के रखी थी। वो फाइट करते करते परगटरी के राजा के पैर में गिरता है और उनके जूते खोल देता है, जिसके कारण वो थोड़ी लड़ाई करने के बाद जाके साइड में अपने जूते बांधने लगते हैं। तभी बगल में बरमुदा का राजा बैठ के धीरे से ऊपर खड़े स्नाइपर लिए सिपाही को इशारे कर देता है और वहां से तुरंत हट जाता है, और तभी स्नाइपर लिया आदमी तुरंत बरगटरी के राजा को मार के घायल कर देता है। और बरमुदा का राजा, मैं जीत गया, परगटरी का राजा हार गया, चलो अब तुम मेरे से शादी करो। मैं शादी तुमसे तब ना करूंगी जब तुम जीते होगे, मैंने सब देख लिया है कि तुमने कैसे परगटरी के राजा को घायल किया, और मैं जा रही हूँ परगटरी के राजा के पास। परगटरी का राजा ना तो मरा होता है ना तो ज़्यादा घायल होता है, क्योंकि वह गोली उसे अच्छी जगह नहीं लगी होती है, वह सिर्फ एक नाटक करता है। और वो इसलिए वहाँ पे लेट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो हार चुका है और उसकी मोहब्बत उसे कमज़ोर कर देती है, और वह वहाँ पे बहुत खुशी जीतने के बाद परगटरी लेके चला जाता है उस लड़की को जिसे वो अपनी रानी बनाना चाहता था। तो जल्दी बताना गाइस कैसी लगी ये स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।